डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पवन बासनीवाल आपका स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, आज हम सिप्रोफ्लोक्सासिन के बारे में पढ़ने वाले हैं। सिप्रोफ्लोक्सासिन का मैं कंप्लीट पैकेज बताने वाला हूँ। हालांकि हमने इसका टाइटल सिप्रोफ्लोक्सासिन सिंथेसिस रखा है, लेकिन सिंथेसिस के साथ मैं सब कुछ बताने वाला हूँ। तो सिप्रोफ्लोक्सासिन जब भी अपन बात करेंगे तो आपको शायद पता होगा कि सिप्रोफ्लोक्सासिन कौन सी कैटेगरी का है, दैट इज फ्लूरोक्विनोलोन्स। ओके, फ्लूरोक्विनोलोन्स कैटेगरी का है, और फ्लूरोक्विनोलोन्स बेसिकली कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करता है, ये एंटी बैक्टीरियल कैटेगरी का है। ओके, एंटी बैक्टीरियल कैटेगरी का है, ध्यान दीजिएगा। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इसको एंटीबायोटिक समझते हैं, एंटीबायोटिक ये ड्रग नहीं है, ये एंटी बैक्टीरियल है। क्यों? क्योंकि एंटीबायोटिक्स मस्ट बी ऑब्टेंड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म और देयर डेरिवेटिव। तो लेकिन जो फ्लोरोक्विनोलोन्स कैटेगरी की जो ड्रग्स है, दैट इज सिप्रोफ्लोक्सासिन, वो क्या है, वो प्योरली सिंथेटिक ओरिजिन की ड्रग है, इसीलिए इसको अपन एंटीबायोटिक कैटेगरी में नहीं रख सकते। ये एंटी बैक्टीरियल कैटेगरी की है। जो केमिकल कैटेगरी बात कहेंगे तो फ्लोरोक्विनोलोन्स होएगा। ओके, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो यह है इनहिबिशन ऑफ डीएनए गायरेज। डीएनए गायरेज का इनहिबिशन होगा तो डीएनए का सिंथेसिस नहीं हो पाएगा, रेप्लिकेशन नहीं हो पाएगा। रेप्लिकेशन नहीं होगा तो बैक्टीरिया का मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, मींस ग्रोथ रुक जाएगी। ओके, और ये बेसिकली बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी बैक्टीरियल है। जैसा मैंने शुरू में बताया, एंटी बैक्टीरियल है, नॉट एंटीबायोटिक, और ये हाईली इफेक्टिव है अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ओके, जो कौन कौन से हो सकते हैं देखिएगा, ल्यूपस बैसिलस है, सीजेला है, हीमोफिलिक एंड कोलोन बैसिलस है, साल्मोनेला है, मेनिंजियोकोकाई है, गोनोकोकाई, ये सब कुछ एग्जांपल्स है जिनके अगेंस्ट ये हमारा सिप्रोफ्लोक्सासिन इफेक्टिव है। इसको यूज किया जाता है, मोस्ट ऑफ यूज किया जाता है यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन के लिए, रेस्पिरेटरी इंफेक्शन के लिए, बाइलरी ट्रैक इंफेक्शन के लिए, एज वेल एज इन्फेक्टिव इंफ्लामेटरी डिजीज के लिए। इस तरह की लगभग सभी डिजीज में या इंफेक्शियस डिजीज में इसको यूज किया जाता है। आज क्यों? क्योंकि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबैक्टीरियल है। ओके, अब अपन बात करते हैं इसके आईपीसी नाम और इसकी स्ट्रक्चर के बारे में। ये हमारा इसका स्ट्रक्चर है, तो आपको शायद समझ में आ रहा होगा इसको समझने के लिए या फ्लोरोक्विनोलोन्स ये कैसे है, इसको मैं समझा रहा हूं समझना लॉजिकली। देखिएगा, आप सबसे पहले बेंजीन के पास साथ में हम यहां पे क्या कर देंगे, नाइट्रोजन लगा देंगे, तो हम इसको क्विनोलिन रिंग बोलते हैं। ये शायद आप लोगों को पता होगा, क्विनोलिन के साथ में इसको हम डेरिवेटाइज कर रहे हैं। इसको समझने के लिए मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड इस तरह से लगा रहा हूँ, ये हमारा डबल बॉन्ड हो गया और इसको हम इस तरह से डबल बॉन्ड लगा रहे हैं। तो इसको समझने के लिए देखिएगा, आगे अपन बात कर रहे हैं, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा डेरिवेटाइज कर रहा हूँ क्विनोलिन से। क्विनोलिन से अपन ने डेरिवेटाइज किया तो देखिएगा यहाँ पे अपन ने वापस स्ट्रक्चर बना दिया, और ये डबल बॉन्ड मैंने इस रिंग में तो तीनों की तीनों लगा दी, लेकिन इसका हमने एक डबल बॉन्ड हटा दिया और यूं कहूंगा दो हाइड्रोजन अटैच कर दिए, तो क्या हो गया, इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे हमने हाइड्रोजन लगा दिया। आपको शायद पता होगा इसकी नंबरिंग हम ऐसे करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। ओके, तो ध्यान दीजिएगा हमारा यहाँ पे हाइड्रोजन कौन कौन सी पोजीशन पे अटैच हुआ, 1 एंड 4 पोजीशन पे। ओके, 1 एंड 4 पोजीशन, इसका हमने क्या नाम लिखा, क्विनोलिन लिखा। क्विनोलिन की 1 और 4 पोजीशन पे इसका नाम क्या हो गया, 1,4 डाइहाइड्रो लिखेंगे, तो आप इसका क्या नाम लिखेंगे, 1,4 डाइहाइड्रो। ये तो इसका ये नाम हो गया और क्विनोलिन हो गया। ओके, ये तो इसका ये नाम हो गया। अब अपन यदि ध्यान दीजिएगा, इसकी 4th पोजीशन पे मैं कीटोन ग्रुप लगाऊं तो आप इसको क्या लिखेंगे, 4 क्या लिखेंगे, ऑक्सो लिखेंगे, 4 ऑक्सो, मतलब ऑक्सो को क्या लिखते हैं, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा, उसको हम ऑक्सो बोलते हैं। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 6th पोजीशन पे अपन यहाँ पे एफ फ्लोरिन लगा दूं तो क्या हो जाएगा, फ्लूरो क्विनोलोन्स। क्विनोलोन्स का होगा डबल बॉन्ड के साथ में, क्विनोलोन्स हो जाएगा। तो इसका हम जनरल नेम क्या लिखेंगे, आपको इसका मैं समझा दूं, जनरल नेम क्या लिखेंगे, फ्लूरो
फिर क्या लिखेंगे, क्यूनोलिन से क्यूनोलोन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन को हम सफिक्स में ले रहे हैं, ओन कर रहे हैं, फ्लूरो क्यूनोलोन्स, फ्लूरो क्यूनोलोन्स, इस तरह से हम इसका केमिकल कैटेगरी बनाते हैं। ये फ्लोरीन हो गया और क्यूनोलिन हो गया, क्यूनोलिन के साथ में कीटोन ग्रुप बाहर लगा हुआ है, उसको ओन के फॉर्म में यहां ले लिया, इस तरह से फ्लोरो क्यूनोलोन कैटेगरी बनती है। इसीलिए हमने सबसे पहला पॉइंट फ्लोरो क्यूनोलोन कैटेगरी बनाई। अब इसको हम इसमें स्ट्रक्चर में फिट कर रहे हैं, ये वाली स्ट्रक्चर इसकी ये होगी, तो देखिएगा नंबरिंग इसकी यही रहेगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो देखिएगा पहली पोजीशन पे साइक्लोप्रोपेन है, तो 1 साइक्लोप्रोपाइल हो गया, 6 पोजीशन पे यहाँ फ्लोरो है, तो 6 फ्लोरो हो गया, 1,4-dihydro हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो 1,4-dihydro ये हो गया, 4th पोजीशन पे ऑक्सो ग्रुप हम ये बता ही चुके हैं पहले से ही, फिर 7th पोजीशन पे ये देखिएगा इस रिंग सिस्टम को हम पाइप्राजीन बोलते हैं, 7th पोजीशन किसकी, क्यूनोलिन की 7th पोजीशन पे पाइप्राजीन जुड़ा हुआ है, पाइप्राजीन अपनी पहली पोजीशन से जुड़ा हुआ है, तो 7 हमने ये लिखा, ब्रैकेट स्टार्ट किया, पाइप्राजीना जीन लिखा, 1 किया, डैश किया, YL किया, 1YL का मतलब हो गया कि पाइप्राजीन अपनी पहली पोजीशन से जुड़ा हुआ है। इस तरह से ये इसका 7th पोजीशन का हो गया। थर्ड पे क्या है, कार्बोक्सिलिक है, तो 3-क्यूनोलिन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये इसका आईयूपीएसी नाम हो गया, ये आईयूपीएसी नाम किसका हो गया, सिप्रोफ्लोक्सासीन, सिप्रोफ्लोक्सासीन। तो देखिएगा सिप्रो, प्रो से याद रखना प्रोपाइल, प्रो से याद रखना साइक्लोप्रोपाइल, C4 साइक्लो, प्रो से याद रखना प्रोपाइल, फ्लो, फ्लो से फ्लोरीन याद रखना, ऑक्सासीन से याद रखना क्यूनोलिन पर ऑक्सा, ऑक्सा ये वाला और ये कार्बोक्सिलिक एसिड, इस तरह से ये सिप्रोफ्लोक्सासीन का स्ट्रक्चर बहुत इजी से आपको याद हो जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे फ्लोरीन है, तो फ्लोरोक्विनोलोन हमने कैटेगरी बनाई है। अब अपन नाउ फ्रेंड्स, अब अपन बात करें तो कि सिंथेसिस ऑफ सिप्रोफ्लोक्सासीन, सिंथेसिस ऑफ सिप्रोफ्लोक्सासीन को हम स्टार्टिंग करेंगे। देखिएगा यहाँ से ना हमारा बेंजीन पे एमिनो ग्रुप है, तो हम नंबरिंग 1, 2, 3 और 4 यहाँ से नंबरिंग हो गई, तो देखिएगा यहाँ पे इसके 4th पोजीशन पे रहेगा 4 फ्लूरो, फ्लूरो 3 पोजीशन पे रहेगा क्लोरो, और हमारा अब क्या बचा, एनिलीन। ओके, तो ये तो एक हमारा स्टार्टिंग मटेरियल होगा। दूसरा स्टार्टिंग मटेरियल क्या है, इसको समझने के लिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, लॉजिक देखिएगा। यहाँ पे CH2COOH and COOH, इसको हम बोलते हैं मैलोनिक एसिड, क्या बोलेंगे, मैलोनिक एसिड। ओके, इस मैलोनिक एसिड का देखिएगा यहाँ पे OH OH की जगह में इथॉक्सी ग्रुप लगा दूंगा, तो इथाइल मैलोनेट हो जाएगा। तो देखिएगा ये वाला पार्ट जो बचा है, ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, इथाइल मैलोनेट है, और इस कार्बन पे मिथाइलिन जुड़ा हुआ, मिथाइलिन क्या होता है, डबल बॉन्ड के साथ कार्बन जुड़ा होता है, हम उसको मिथाइलिन बोलते हैं। ओके, और मिथाइलिन पे क्या जुड़ा हुआ है, देखिएगा इथॉक्सी जुड़ा हुआ है, तो इस नाम क्या हो जाएगा, देखना लॉजिकली समझा रहा हूं, ये तो हो गया इथाइल। ओके, तो ये हो गया इथाइल। ओके नाउ, अब उसके बाद में इथॉक्सी मिथाइलिन, इथॉक्सी मिथाइलिन, मिथाइलिन किसको बोलते हैं, अगेन मैं बोलूंगा कार्बन डबल बॉन्ड के साथ इस तरह से जुड़ा होगा, हम उसको मिथाइलिन बोलते हैं। देखिएगा इथाइल जो लिख दिया हमने, इथॉक्सी मिथाइलिन लिख दिया, अब क्या बचा हमारा मैलोनिक एसिड का एस्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे, मेवालोनेट। ओके, तो मेवालोनेट, इस तरह से इसका आईयूपीएसी नाम हो गया। बहुत सिंपल रिएक्शन है ये, सिंपली कंडेंसेशन रिएक्शन होगा, तो यहाँ पे इस पोजीशन से क्या होगा, एच हाइड निकलेगा और यहाँ से OH निकल के अल्कोहल निकल जाएगा, तो ये वाली जो हमारी रिएक्शन है पहली, ये हमारी कंडेंसेशन रिएक्शन हो गई, कंडेंसेशन रिएक्शन हो गई।
तो सेम ऐसा कैसा मॉलिक्यूल हमने ये जोड़ा और यहां से ओ और यहां से एच मतलब एनएच के साथ ये जुड़ गया, ये कार्बन जुड़ेगा बट ओ से कार्बन के साथ डबल बॉन्ड और पूरा का पूरा मॉलिक्यूल आज सच है। ओके, जैसे हम इसको गर्म करेंगे तो यहां से हाइड्रोजन लेके ये वाला इथॉक्सी पार्ट एल्कोहल के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और यहां पे डबल इस बॉन्ड के साथ में कार्बन ये वाला जुड़ जाएगा, तो यहां पे साइक्लाइजेशन हो गया। ओके, तो इस रिंग स्टेज को हम क्या बोलेंगे, यदि हम इस रिंग को पहचानने की स्टेज को पहचानने की कोशिश करेंगे तो दूसरी स्टेप हो गई हमारी साइक्लाइजेशन। ओके, ये साइक्लाइजेशन हो गया। साइक्लाइजेशन के जस्ट बाद में आपको देखना है, इसको समझना है, ये आइसोमेरिज्म फॉर्म में रहता है। आइसोमेरिज्म में कैसे रहता है देखिएगा, आइसोमेरिज्म भी आपको शायद समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे कीटो ग्रुप क्या होगा इधर शिफ्ट होगा, कीटो ग्रुप वाला डबल बॉन्ड और ये वाला डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा, इस ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, तो ये एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। तो इस पोजिशन इस आइसोमेरिज्म को ध्यान देना, कीटो से डबल ऑक्सीजन OH ग्रुप जुड़ रहा है, मतलब देखिएगा इसको बोलते हैं कीटो इनोल। ओके, कीटो इनोल आइसोमेरिज्म या टॉटोमेरिज्म बोलते हैं, तो ये क्यूनोलिन रिंग सिस्टम बन गया। अब नेक्स्ट स्टेज पे देखिएगा, यहाँ पे अगेन यहाँ पे हम किससे रिएक्शन करा रहे हैं, ये वाला स्ट्रक्चर क्या है आपको समझ आ रहा होगा कि ये साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोप्रोपेन पे ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, तो ब्रोमो साइक्लोप्रोपेन हो गया और यहाँ पे इसका इसकी प्रेजेंस होती है, व्हाट इज दिस, इसको बोलते हैं ट्राई इथाइल एमीन, क्या बोलेंगे आप इसको, ट्राई इथाइल एमीन। ओके, ट्राई इथाइल एमीन की प्रेजेंस रहती है और इससे रिएक्शन करता है, बेसिकली इससे रिएक्शन नहीं होती, इस वाले स्टेप से रिएक्शन होती, दोनों आइसोमर होता है, तो यहां से हाइड्रोजन निकल के ये ब्रोमीन लेगा और HBr बाहर निकल जाएगा और एज सच इस पे अटैच हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ ट्राई इथाइल एमीन, ये जुड़ गया। अब इसके साथ में देखिएगा यहाँ पे ये एस्टर मोइटी है, यहाँ पे ये एस्टर मोइटी है, इस एस्टर मोइटी का अपन हाइड्रोलिसिस करेंगे तो दूसरा स्टेप साइक्लाइजेशन होगी, तीसरी स्टेप कीटोइनोल टाइटोमेरिज्म हो गया, ये थर्ड स्टेप हो गई, और सिंपली यहाँ पे यदि मैं इस स्टेप की बात करूं तो ये फोर्थ स्टेप होगी जिसमें कंडेंसेशन हो रहा है, सिंपल से आप उनका कंडेंसेशन हो रहा है या इसको सब्स्टिट्यूशन भी बोल सकते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पे फिफ्थ स्टेज में यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोलिसिस हो रहा है। हाइड्रोलिसिस में देखिएगा यहाँ पे दो तरीके हैं, पहला आप NaO से ट्रीट कराते हैं तो यहाँ पे सोडियम सॉल्ट बनता है, फिर दूसरा आप यहाँ HCl से ट्रीट कराते हैं तो सोडियम सॉल्ट यहाँ पे इसका रेस्पेक्टिव एसिड बना देता है, तो यहाँ पे इसका रेस्पेक्टिव एसिड बन गया, ये हमारा एक रिंग सिस्टम बन गया। अब इसके साथ में हमने रिएक्शन करवाया हमने पाइपराजीन से, पाइपराजीन ये रिंग सिस्टम हो गया, इसके साथ में यहाँ पे देखिएगा H यहाँ से और क्लोरीन यहाँ से माइनस करके HCl बाहर चला जाएगा और ये हमारा साइड चेन साइड रिंग अटैच हो गया, इसको हमारा सिक्स्थ रिएक्शन देंगे जिसको बोलेंगे कंडेंसेशन। ओके, तो इस तरह से हमारा ये सिप्रोफ्लोक्सासिन हमारा कंपाउंड बन गया, देखिएगा बहुत सिंपल सा सिंथेसिस है, आपको देखने में बड़ा टिपिकल लग रहा होगा लेकिन बहुत सिंपल सिंथेसिस है। जस्ट रिमेम्बर हमने यहाँ पे ये वाला मेलोनिक एसिड, इस मेलोनिक एसिड से आपको इसको याद रखना, ये वाला जिसमें ये वाला पार्ट जुड़ा हुआ है किसको, इसको क्या बोलेंगे, इथॉक्सी मिथाइलिन, इथॉक्सी मिथाइलिन, और ये क्या इथाइल मेवालोनेट है, इथाइल मेवालोनेट हो गया, इसके साथ कंडेंसेशन रिएक्शन हुआ, एल्कोहल बाहर निकला, ये रिंग अटैच हो गया, इसके साथ गर्म करेंगे साइक्लाइजेशन हो जाएगा, कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म से ये बनता रहेगा यहाँ पे, फिर उसके बाद में इस पोजीशन पे एच की जगह साइक्लोप्रोपेन अटैच हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ ट्राई इथाइल एमीन, और उसके बाद में हम इसका हाइड्रोलिसिस कर लेंगे NaOH और HCl की से, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, फिर लास्ट में इस पे क्लोरीन पे हम क्या करेंगे, पाइपराजीन रिंग जोड़ देंगे तो HCl बाहर निकल के ये हमारा सिप्रोफ्लोक्सासिन बन गया, ये हो गया हमारा सिंथेसिस ऑफ सिप्रोफ्लोक्सासिन। ओके, अब अपन बात करते हैं इसके कॉम्पिटेटिव क्वेश्चंस के से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं, देखिएगा पहला हमारा क्वेश्चन बनता है इसकी केमिकल कैटेगरी फ्लोरोक्विनोलोन की,
फ्लोरोक्विनोलोन की केमिकल कैटेगरी क्या हो सकती है सिप्रोफ्लोक्सासिन की, तो फ्लोरोक्विनोलोन हो गया, दूसरा इसका मैकेनिज्म एक्शन हो गया, तीसरा इसका कौन कौन से बैक्टीरिया के अगेंस्ट ये काम करता है, ये लगभग लगभग मैंने सारे बता दिए। और फिर उसके बाद में इसका आईयूपीएसी नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। इस तरह से आपको ये सारे क्वेश्चन याद रखने हैं। और सिंथेसिस की मैं बात करूं तो सिंथेसिस में आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिंथेसिस समझाया है, सिंथेसिस को उसी हिसाब से आपको याद करना है। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्या हो सकता है। दो तरीके से क्वेश्चन हो सकता है। एक क्वेश्चन तो है कि आपको गिव द सिंथेसिस ऑफ सिप्रोफ्लोक्सासिन, तो जो सिंथेसिस वाला पार्ट मैंने आपको समझाया है वो पूरा का पूरा एज सच लिख दीजिएगा, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। और यदि क्वेश्चन आता राइट शॉर्ट नोट ऑन सिप्रोफ्लोक्सासिन, तो मैंने पूरा वीडियो जो बताया है पूरा का पूरा आपको बताना है। मींस पूरा का पूरा का मतलब आपको पहले सिप्रोफ्लोक्सासिन के बारे में बताना, मैकेनिज्म एक्शन, किसके अगेंस्ट ये काम करता है, आईयूपीएसी नेम, स्ट्रक्चर, और उसके बाद में उसका सिंथेसिस, देन आपका सिप्रोफ्लोक्सासिन कंप्लीट हो जाएगा। और मेरा विश्वास है आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। इसी के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, ये आपने पूरा वीडियो देखा, और नए वीडियो के साथ में फिर से हाजिर होऊंगा। थैंक यू वंस अगेन।